प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के किनारे अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। पंचामृत अभिषेक के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजने लगा। मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट ने बताया कि देश विदेश में मंदिर और यहाँ की प्रतिमा की ख्याति फैली हुई है और यही कारण है कि नैनाभिराम और मनोहरी पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा है। यहाँ पर रात भर दर्शन की व्यवस्था की गई है और इस दौरान महादेव के प्रति भक्तों में आस्था चरम पर देखने को मिली और दर्शन करने के लिए मंदिर में कतारें लगी रहीं। दर्शन करने आई एक महिला भक्त ने शिव जी को 11 पौंड का फलिहारी केक भी अर्पित किया और इससे पहले बुधवार को भक्तों की ओर से भोले बाबा का हल्दी से महाअभिषेक किया गया। यहाँ पर 21 पंडितों की ओर से रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। शिवरात्रि का महापर्व है जो शिवजी को मनाने के लिए मुख्य आराधना पर्व होता है। आज के शिवरात्रि का महापर्व पशुपतिनाथ क्षेत्र में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पट खुले और पट खुलने के साथ ही भगवान का पंचामृत से अभिषेक स्नान पूजन किया गया। महाआरती उतारी गई, तब से भक्तों द्वारा पशुपतिनाथ के दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ दूर दूर से यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर निरंतर भगवान बाबा के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का इधर विवाह उत्सव मनाया जाता है और आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ को 11 पौंड का फलियारी केक का भोग लगाया गया है। सभी भक्तों को बहुत उत्साह है आज शिवरात्रि के पर्व का और सुबह से ही यहाँ पे आज अभिषेक हो रहा है। आज रात भर चारों पहर अभिषेक किया जाएगा। तो मैं यही मंगल कामना करना चाहूँगी कि आज शिवरात्रि के अवसर पर सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। हम सबका सौभाग्य के अष्टमुखी नैनाभिराम विश्व की अद्वितीय प्रतिमा मंदसौर के शिवना के तट पर यहाँ पर विराजित है और आज सुबह से ही प्रातः से ही लोगों का जो दर्शन लाभ ले रहे हैं भगवान की इस अद्भुत प्रतिमा का। मैं भी एक भक्त हूँ और मंदसौर की अगर कोई पहचान है तो दशपुर की नगरी है, मंदसौर शहर है और यहाँ पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव की विश्व विख्यात प्रतिमा विराजित है। सफाई कर्मियों के स्थायी